स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आओ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हमें पी आर दिया गया है। पी आर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू ये हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। ये 24 और हमें कुछ नहीं दिया, इतना दिया, और छायांकित भाग का हमें एरिया बताना है कि क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, और देखिए हमें बच्चों पता है कि ये जो अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले जो दिया गया है, दिया है क्या हमें, पी आर दिया 7 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और कुछ नहीं दिया है। यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्ध वृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। कौन सा होता है, समकोण होता है। ये बच्चों क्या है हमारा, समकोण है। अब ये तो फिर समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, या एक मिनट ये शो कर दीजिए कि QPR बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ इसमें लगेगी जब, तो ये हाई समकोण है, समकोण के सामने भुजा ये है, तो ये हो जाएगी हमारी कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण किसको कहते हैं, हाइपोटेनस, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गए। अब कर्ण हमें निकालनी है क्यू आर, लंब हमें दिया है 7 का स्क्वायर और आधार है 24। तो दोनों के स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इस साइड रूट लग जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 5 76। इसको जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा, 6 9 15 7 4 11 1 12 और इसमें कैरी जोड़ दिया 625। तो क्यू आर हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ये किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 625 का। तो हमें ये पता लग गई कर्ण इसकी क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे वृत्त की। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं जो वृत्त की त्रिज्या है वो निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 25/2। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि व्यास हमारा कितना है, कर्ण जो है वही हमारा वृत्त का व्यास है। तो 25 का आधा हो जाएगा, त्रिज्या पता लग जाएगी। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ये अर्धवृत्त है, व्यास पता है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको हटा लें तो ये बच जाएगा, मीन्स घटा दें तो क्या आ जाएगा, यहां लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज पी क्यू आर कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण आप लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का तो 1/2,
आधा वृत्त का, वृत्त का क्या होता है, पाई आर, एक बटे दो लगा दिया तो आधे को हो गया। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो आधार इंटू लंब, तो आधार लंब हमें पता है 7 और 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारा दिया है 25/2, स्क्वायर में है तो स्क्वायर करके लिख लो, तो क्या होगा 25 × 25.2 × 2, स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे, माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 12, 7 × कितना हो गया 84 हो गया। इधर देख लीजिए जो काटने वाला वो काट देंगे, 2 × 2 = 11, ये 25 25 हम तो 625 हो गया हमारे पास, अपॉन 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, माइनस 84। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे, देखिए 11 × 5 = 55, कैरी हमारी 5 हो गई, 11 × 2 = 22, कैरी जोड़ दिया 27, 11 × 6 = 66, 2 जोड़ा 68। इधर अब एलसीएम लेंगे तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 से अपॉन 28, इसको मल्टीप्लाई करके बस घटा देना है अपना आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 84 को 28 से, किसको 84 को 28 से, देखिएगा 8 × 4 = 32, कैरी 3 हो गई, 8 × 8 = 64, 3 जोड़ा 67, ठीक, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, जोड़ दो 8 × 7 = 15, 6 × 6 = 12, 6 × 8 = 75, −27/52 = 28, यही है। अब घटा देते हैं तो 5 में 2 घटा दिया 3 आ गया, 7 में 5 घटा दिया 2 आ गया, 8 में 7 घटा दिया क्या आएगा 1, और 6 में 2 घटा दिया 4 अपॉन 28। एक मिनट बच्चों आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्वेश्चन सही है या गलत, ऐसे लिख लेना अच्छी बात नहीं है, पहले आंसर चेक कर लूँ फिर बताता हूँ कि आएगा क्या। आंसर में बच्चों कहीं मिस्टेक है तो कहाँ है वो चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 7 में हमें घटाना था 5, यहाँ क्या आया है ये मल्टीप्लाई में 52, जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है, भूल गए आप लोगों को बताना, आंसर आ रहा था 45 23 23, तो सही है लेकिन यहाँ 45 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा लोगों का मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ गलत है। और चेक करते हैं 8 × 4 = 32, कैरी हो गई हमारी 3, 8 × 8 = 64, 64 में 3 जोड़ दिया 67, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 7 15 6 × 6 = 12 12 × 1 = 13, और 1 2 यहाँ 13 है बच्चों, यहाँ क्या आएगा 23, ये 23। अब घटाएंगे 8 में 3 तो हमारा क्या आ जाएगा 5, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी। हाँ, अब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।